सिटी डी कराची ने लश्कर ए जंगवी के इंतहाई मतलूब दहशतगर्द की तस्वीर जारी कर दी है। दहशतगर्द सफदर उर्फ अबू सुफियान उर्फ मुआविया उर्फ कंदूज लश्कर ए जंगवी अल आलमी का अमीर है। जानते हैं साद बुखारी से। साद बुखारी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सीटीडी की जानिब से आज ये तस्वीर जारी की गई है। एसएसपी सीटीडी राजा उमर खत्ताब के मुताबिक ये जो तस्वीर आज जारी की गई है ये दहशतगर्द की जो है लेटेस्ट तस्वीर है। इससे कबल ये तस्वीर नशर नहीं हुई, ये पहली दफा तस्वीर जारी की गई है। 28 अगस्त को पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की जानिब से भी दहशतगर्द की कुछ तस्वीर जारी की गई थी और उसमें बताया गया था कि दहशतगर्द लश्कर ए जंगवी अल आलमी का अमीर है और इंतहाई मतलूब है। इसके गिरफ्तारी पर 50 लाख रुपए इनाम भी रखा गया है और शहरियों से 28 अगस्त को रेंजर्स की जानिब से इसकी गिरफ्तारी में मदद फराहम करने के लिए मदद भी तलब की गई थी और ये कहा था कि इसके साथी जो है, इसके सहूलतकार जो है, उनकी भी मालूमात रेंजर्स को फराहम की जाए। और अब सीटीडी ने भी ये तस्वीर जारी की है जिसके बाद इस बात की मजीद तस्दीक हो चुकी है कि इंतहाई मतलूब दहशतगर्द है, इसकी गिरफ्तारी बहुत जरूरी है और कानून नाफिज करने वाले इदारे बिलखसूस रेंजर्स और सीटीडी दोनों ही इसकी गिरफ्तारी की कोशिशें कर रहे हैं। ताहाल गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी है। एसएसपी सीटीडी राजा उमर खत्ताब के मुताबिक ये दहशतगर्द जो है इंतहाई मतलूब है और शहर कराची समेत पाकिस्तान भर के मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दी की कार्रवाईओं में मुलव्वस है और अफगानिस्तान से तरबियत याफ्ता है, जबकि कराची में और दीगर शहरों में दहशतगर्द रिक्रूट भी करता है, उन्हें भर्ती करता है और मुख्तलिफ अजायम के लिए इस्तेमाल किया जाता है और उसकी गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ इलाकों में छापे तो मारे गए हैं लेकिन अब तक किसी किस्म की कोई कामयाबी हासिल नहीं हो सकी है। रेंजर्स ने आवाम से मदद तलब की है और सीटीडी ने आज एक मरतबा फिर इसकी लेटेस्ट तस्वीर जारी कर दी है। जी शुक्रिया साद बुखारी।